संगम तट पर लगे देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की एक भयावह तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसमें कई टेंट जो है वो पानी से घिर गए हैं, कई शिविर इसमें घिर गए हैं। हम मौजूद हैं माघ मेले के पुल नंबर 2 के बगल एक शिविर में। आप देख सकते हैं कि अचानक से बड़े जलस्तर ने यहाँ के हालात को क्या कर दिया है। लगातार पानी का जो जलस्तर है वो पिछले 42 घंटों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिविर है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफें यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको हो रही है, और अब धीरे धीरे यहाँ से जो सामान है उसको भी हटाया जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक जो युवती है वो वहाँ पर पानी के बीच में खड़ी हुई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सामानों को अलग अलग किया जा रहा है। जो शिविर में यहाँ पर लोग रह रहे थे, कुछ लोग तो जा चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, और उनको काफ़ी नाराज़गी भी है यहाँ के प्रशासन से है, क्योंकि उनका कहना यह है कि किसी ने ये सूचना नहीं दी थी कि ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल सकती है और लगातार जो जलस्तर है वो बड़ा है। सूत्रों की माने तो उनका कहना यह है कि 23,000 क्यूसेक पानी जो है वो कानपुर बैराज से छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लगातार जो है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और वही पानी जो है शिविर में आ गया है। ऐसे में श्रद्धालु मायूस होकर के घर लौट रहे हैं। परेशानी हो रही है, काफ़ी सारे कल्पवासी आए हुए हैं कैंप में, सब अपना सामान बोरी बिस्से सब ला करके इसमें रखे हुए हैं। अब अचानक ये पानी आगे जो बढ़ रहा है, हम लोग को ये कोई सूचना भी नहीं मिली थी कि ऐसे भी हो सकता है, बल्कि ये सब तो पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए थी, इसका नेचुरल फ्लो देखना चाहिए था कहाँ से है, और इसका पुल का और एक्सटेंशन होना चाहिए था, और हम लोग की ज़मीन थोड़ा सा आगे कर देनी चाहिए थी, तब यहाँ पर हम लोग सेफ होते। लेकिन ये कोई सूचना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरे ख्याल में से ये मैनेजमेंट की थोड़ी सी गड़बड़ी है ये सब। भैया हम लोग 20 वर्षों से लगा रहे हैं, 1 साल इंतज़ार करते हैं इसका कि आए, इसमें एक महीना पूरा भंडारा चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय की पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। और प्रशासन ने हम लोगों को सूचना नहीं दिया, हमारा बहुत नुकसान हो गया। अब बहुत दुखी होकर हम लोग जा रहे हैं, प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं किया यहाँ पे कि कोई हमारी मदद करे, आके बताए या कि इतना पानी भर रहा है, बाढ़ रहा है, आप लोग मर रहे हो, जी रहे हो। हम लोग पूरी रात बैठे थे, पूरी रात पूरा राशन पानी बिस्तर सारे लोग चले गए, कोई सूचना नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, न्यूज़ ट्रैक प्रयागराज।